और ये 999 वाला जो देखो 1, 2 और 3, ठीक है जी। और ये जो है 600 वाला मात्र 2 है। कोई भी एप्लीकेशन, मतलब कस्टमर का मोबाइल फोन है, इसको खोल, मतलब स्कैन, मतलब क्यूआर कोड को ओपन करो, इसको स्कैन करिए, देखा आई वा, थोड़ा सा इसको मैंने पीछे कर रहा हूँ, देखो कुछ उधर बैठ गया दोस्तों। और ये देखो, ये मैंने निकाल दिया हर एक जूता पे, कितना मस्त दिख रहा है आपको, देखिए ये जो टागा। नमस्कार दोस्तों, आज हमने फुटवेयर बिजनेस का बिलिंग सेटअप, उसमें किस तरीके से टैग लगा सकता है ये वाला टैग गन से, और हमने डिजिटल क्यूआर कोड पेमेंट कैसे ले सकता है, और हमने कस्टमर को प्रिविलेज कार्ड कैसे सेंड करेंगे, इस सारे सब कुछ एक ही वीडियो में देखेंगे दोस्तों। सो वेरी ब्यूटीफुल वीडियो बेसिकली, और कस्टमर को कैसा बिल व्हाट्सएप पर भेजेंगे एक्चुअली हमने देखेंगे दोस्तों वेरी सिंपल वे में। सबसे पहले जो भी फुटवेयर बिजनेस होती है, कोई भी ब्रांड आती है, मॉडल आती है, उसमें कई सारे डिफरेंट साइज होती है, कलर होती है, ये हमने बिलिंग सॉफ्टवेयर में ऐड करना होती है। ये जो है आपके सामने रेवोल्यूशनरी बिलिंग सॉफ्टवेयर रेंडक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर, इसका कस्टमर केयर ऑफिस वगैरह सारे सब कुछ इधर है, प्रोडक्शन सेल्स वगैरह सारे सब कुछ केरला में है, आपको ऑल ओवर इंडिया सर्विस इसका मिल जाएंगे, आपको इंस्टॉलेशन करना, आपको ट्रेनिंग देना सॉफ्टवेयर का सारा सब कुछ। हमने जैसा अपना प्रोडक्ट स्टॉक आया हुआ है उसको इंस्टेंट बारकोड कैसे प्रिंट करके इसमें चिपकाएंगे, सबसे पहले वो देखेंगे हमने। उसके लिए आपने क्या करिएगा, देखो इधर प्रोडक्ट ऐड वाला ऑप्शन में चला जाइए दोस्तों, प्रोडक्ट ऐड वाला ऑप्शन में चला जाइए। इसमें देखो आपको ये जो है आपको नाइकी प्रोसेशन मॉडल है, इसको नाइकी प्रोसेशन प्रोसेशन 6 NIKE कैपिटल में डाल देंगे, NIKE प्रोसेशन मॉडल है इसका, ठीक है जी। और इसका जो शू बोल के उसके कैटेगरी हमने तो कितना भी कैटेगरी ऐड कर सकता है, HSN कोड है तो डाल दो, अदरवाइज नहीं, पार्ट नंबर है तो डाल दो, पार्ट नंबर आपको NIKE, मैंने ऐसे ही पार्ट नंबर डाल रहा हूँ, इसमें जूता में कोई पार्ट नंबर अगर आपका डालना है आप डाल दीजिए, नो प्रॉब्लम। और इसका देखो, इसका परचेस प्राइस आपने 500 रुपये में लिया एग्जाम्पल, नाइकी को 500 का आते हैं, चलिए हम 500 रुपये में लिया, और MRP उसको डाल दो 1999 डाल दिया मैंने MRP, रिटेल प्राइस हमने 800 डाला, होलसेल प्राइस हमने कितना डालेंगे, होलसेल प्राइस 750 डालेंगे। तो अभी आपको माइंड में आ गया होगा तो इसका स्टॉक भी डाल दो, फॉर एग्जाम्पल 5 पीस या 3 पीस, एक्सेल है, डबल एक्सेल है, ट्रिपल एक्सेल है, जो भी है, कैसे करेंगे, सिंपल। आप देखो रेंडक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बोलकर दिया गया है, उसमें डालो, इसका परचेस प्राइस अगेन इधर डाल दीजिए 500, आपको अगर वेरियंस है तो 999 इधर डाल दिया मैंने, और रिटेल प्राइस मैंने 800 डाला, और होलसेल प्राइस 750 डाला, और इसका कलर है वाइट, सॉरी साइज इसका 42 है, कलर वाइट, ठीक है जी। ये जो इसका 42 साइज का शू एग्जाम्पल और कलर वाइट, और ये आपने यहाँ क्लियर करिएगा, इसको ऐड करिए, देखो ये ऐड हो गया, सेम मतलब सेम जूते आपको ग्रीन कलर में भी आ गया, ब्लू कलर में भी आ गया, सारे कलर में आ गया, तो क्या करेंगे देखिएगा, वेरी सिंपल है दोस्तों, आपको इधर कलर ला लो ग्रीन, देखो ग्रीन, और साइज डाल दिया आपने 41, ये पहले 42 डाला था, अभी 41 साइज का डाला, ये आपको 3 पीस आया हुआ है, इसका परचेस प्राइस आपको 400 रुपीस में, इसका प्राइस चेंज करके डाल देंगे हमने, मतलब रिटेल प्राइस आपको MRP 800, रिटेल आपको 750, होलसेल आपको 700, ठीक है जी, ये भी ऐड कर दिया मैंने। और सेम जूते आपको 39 साइज का भी आया है एग्जाम्पल के तौर, तो आपको साइज इधर पहले डाल दो 39, देखो इधर डालो 39, और कलर आपने येलो डाल, येलो कलर का कोई जूता आता है क्या, ब्लैक डाल देता हूँ, ब्लैक डाल दिया मैंने, और इस ये पीस आया, 2 पीस आया आपको बस सिर्फ, ये मैंने 2 पीस कर दिया इधर देखिए, और परचेस प्राइस आपको 300 रुपये में मिला, और सेल कर रहा हूँ आपको 600 रुपये में, और रिटेल प्राइस आपको 550 है, और होलसेल प्राइस आपको 500 है, बस आ गया दोस्त देखिए।
आर्ट कर लिया, आर्ट। तो अभी आपने देख लेना दोस्तों, ये मैंने सक्सेसफुली सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद हमको बारकोड प्रिंट करना, सबसे पहले लेबल्स कैसे प्रिंट करेंगे, आपको मात्र ये जो बटन में एक बार प्रेस करिए और बाद में आपको यहाँ जाइए बारकोड लेबल, डायरेक्ट बारकोड। देखो यहाँ आपको देखो नाइकी जूता का जो सब कुछ आपका आपके पास आया हुआ है, इधर क्वांटिटी डाला हुआ है, आपको नंबर ऑफ को कितना प्रिंट करना आपको इधर चेंज कर सकता है। मेरे को ये इसका 3 पीस प्रिंट करना है, सेम क्वांटिटी का, जितना परचेस किया उतना क्वांटिटी करना आपको इधर डाल दीजिए। 3 3 6 + 1 3 3 6 + 2 8, टोटल 8 लेवल प्रिंट हो जाएंगे। सारे को टिक कर दीजिए, किसको अगर नहीं प्रिंट करना उसको अनटिक कर सकते हैं आप। इधर देखो कई सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है, इसको सेलेक्ट करिए, ठीक है जी। बार कोड सिंगल देखो, इसको प्रीव्यू एक बार देखिए आपने कैसे इसको प्रीव्यू आती है, ये देखो ब्यूटीफुल। मैं थोड़ा सा इसको सामने सामने कर दे रहा हूँ, देखिए ये जो बटन में मैंने क्लिक कर रहा हूँ, नेक्स्ट बार कोड कैसे दिखता है ये देखो, ये देखो प्राइस चेंज हो गया आपको 800 का आ गया, फिर नेक्स्ट करता हूँ ये देखो 600 का आ गया, ये देखिए है ना, सारा सब कुछ आया हुआ है, साइज आ गया है ना, मॉडल नंबर वगैरह आ गया, बाच नंबर अगर डाल दे तो वो भी आ जाती है। हमने इसको एक बार प्रिंट कर लेते दोस्तों, तो हमने इसको प्रिंट का मान दे रहा दोस्तों, ये देखिए प्रिंट, और ये बारकोड बन रहा है इसका पेज से, कौन सा मैं देखता हूँ अभी, ये वाला पेज से अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, प्रिंट कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए इधर प्रिंट आना लगा अभी, तो ब्यूटीफुल क्वालिटी में प्रिंट आया हुआ, देखिए इट्स ब्यूटीफुल है ना, इतना शार्प क्वालिटी में आपको प्रिंट आउट आ जाती है। तो ये जो प्रिंट आउट एक बार आपने ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो वर्टिकल टाइप ऑफ टैग है, वर्टिकल टाइप ऑफ टैग में इस तरीके से प्रिंट आउट आ रहा है अभी, ये अभी देखो इतना ब्यूटीफुल एक्सट्रीम शार्प। इसमें देखो सबसे है ना QR कोड लगाया हुआ है, नॉर्मल बार कोड नहीं है इसमें, और एक थोड़ा सा इसको बाहर हमने काट लेते हैं इसको, ये देखिए ये आप थोड़ा सा सामने देखिएगा, ये देखो इसका साइज इधर आया हुआ है, और देखो ये जो ब्लैक कलर का और उसका प्राइस है ना, ये सब कुछ आया हुआ है। और दूसरा का क्या है देखो 600, और MRP सेल प्राइस दोनों डालना, तो दोनों भी डाल सकता है वो, ये जो टेम्पलेट है ना एडिटिंग कर सकता है कैसा भी, हमने जो मॉडल नंबर डाला था। और ये देखो 800 वाला जो प्राइस आया, 800 वाला 2 बार कोड है या 3 है 3 3, और ये 999 वाला ये देखो 1 2 और 3, ठीक है जी। और ये जो है 600 वाला मात्र 2 है, वेरी क्लीन इजी। अभी हमने देखेंगे दोस्तों ये अपना जो इसमें किस तरीके से टांगेंगे अपना जूता में, आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए दोस्तों, ये हमने ना सामने से इसको कट सकता है, देखिए इसको काट सकता है, ये देखिए तो इस तरीके से टैग बन के आ जाती है आपको ECS2M में। स्टिकर वाला टैग भी आपने अगर चाहिए तो यूज कर सकता है, इसको यहाँ एक होल्ड रहता है देखो, ये देखिए होल्ड रहता है। आप क्या करिएगा, अपना जो जूता ले लिए, ये जो जूता ले लो, ये देखो आपको कहीं भी टांगना होती है किधर भी, तो ये वाला जो गन होती है, ये गन का प्रयोग आपने कर सकता है। देखो ये वेरी सिंपल है जी, आपको अमेजोन में मिल जाता है, 500 में मिल जाए, 500 रुपये में मिल जाती है ये। आप ऐसा करो इसका अंदर से डालो, और कोई भी होल होता है ना इसका, इसका अंदर से डालिए, आप थोड़ा सा इसका सामने करो, तो आप मैंने इसको प्रेस कर रहा हूँ, कुछ चीज़ यहाँ से आने वाला है, आप देखिएगा ये देखो, ये जो नीडिल है ना उसके अंदर से कुछ चीज़ आएंगे अभी, देखो देखा आई वाह, थोड़ा सा इसको मैंने पीछे कर रहा हूँ, देखो कुछ उधर बैठ गया दोस्तों, और ये देखो ये मैंने निकाल दिया, तो अब ये टैग उधर बैठ गया, सिंपल सा काम है दोस्तों। ये जो टैग ये ना जाएगा नहीं, ये देखो ना ये जाएगा नहीं, ब्यूटीफुल वे में उसको बैठ गए। तो इस तरीके से आपको टैग लगा सकता है हर एक जूता पे, कितना मस्त दिख रहा है आपको, देखिए ये जो टैग, नॉर्मल स्टिकर आपको इसका नीचे चिपका देगा ना, ये गंदा गंदा दिखेंगे, मतलब स्टाइल नहीं आएंगे। ये जो इस तरीके से टैग लगाने से जो लेने वाले कस्टमर को भी एक फील होता है, तो ये इस तरीके से टैग सब कुछ हमने साइड में कर दिया। अभी हमने देखेंगे दोस्तों इसको सेल कैसे करेंगे, कस्टमर आ गया, कस्टमर को सेल करना है, सेल कैसे करेंगे आप देखिएगा। सेल करने के पहले मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, कोई भी कस्टमर को प्रिविलेज सिस्टम लगा सकता है ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर। मैंने कोई भी कस्टमर को प्रिविलेज कार्ड ऐड करके रखा हुआ है, उसी को सेल करेंगे हमने, सेल करते हैं हमने,
और मैंने फॉर एग्जाम्पल इधर देखो दिलीप बोल के कस्टमर है, हमने प्रिविलेज कार्ड कैसे प्रिविलेज कार्ड ऐड करते हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। वेरी सिंपल है दोस्तों, ये जो बार कोड की जगह पे ऑटोमेटिकली कर्सर आ जाती है आपको, ये जो QR कोड होती है, ये QR कोड को अपना जो बार कोड की गन होती है 2D बार कोड स्कैनर, उसको उठाइए, स्कैन करिए दोस्तों। स्कैन हो गया दोस्तों फटाक से, और ये जो अमाउंट आ गया 550 रुपीज, 600 रुपीज का MRP है, 550 रुपीज में सेल हो चुका है। और आपने सीधा 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 कैश बटन में क्लिक करिए दोस्तों, और आपको इधर बिल आ जाएंगे। तो जैसे बिल आ जाएंगे उसके साथ ही साथ वो प्रिविलेज कार्ड भी सेंड हो जाती है कस्टमर को। ये देखिए वो कस्टमर का व्हाट्सअप है ना, ऑटोमेटिकली प्रिविलेज कार्ड भी सेंड हो गया, देखिए सो ब्यूटीफुल 55 रुपीज के, यानी 10% हमने डाल के रखा हुआ है। और जो फॉर एग्जाम्पल दिलीप कस्टमर नाम सब कुछ डाल करके, उसी में भी QR कोड है, वो मैं कैसे यूज करता है वो भी दिखा दे रहा हूँ। ये ओके कर लिया, डिजिटल प्रिविलेज कार्ड सेंड हो गया, देखो बिल भी आ गया ना, बिल इस तरीके से देखो, बिल आपको इधर सीधा सीधा प्रिंट कर सकता है। ये देखो बिल का प्रिंट आउट आपने देखिए दोस्तों, इतना ब्यूटीफुल तरीके से इसका प्रिंट आउट आ चुका है, ये देखो ब्यूटीफुल है ना, बिल प्रिंट आउट आ गया दोस्तों, सो ब्यूटीफुल है ना। उसमें भी आपने देखिए 600 रुपीज इसका MRP है, और देखो 600 रुपीज इसका MRP है, 550 रुपीज इसका सेलिंग प्राइस है, और ये देखो 50 रुपये उसका डिस्काउंट मिल गया हुआ है। तो हमने MRP और इसका जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 50 रुपीज उसको ऑफर भी मिला हुआ है। तो ये जो बिल कस्टमर को कैसे व्हाट्सएप पे भेज सकता है, मैं आपको देखो व्हाट्सएप पे इधर लाइव करके रख देता हूँ, ऑटोमेटिकली कस्टमर को व्हाट्सएप चले जाएंगे, आप थोड़ा सा देख लेना। एक कस्टमर को मतलब व्हाट्सएप खोल कर रखा मैंने, मात्र एक बटन में मैंने क्लिक कर रहा हूँ, देखिएगा ये जो बटन, ये देखो जैसे क्लिक करेंगे आपने लाइव देख लेना दोस्तों इधर, ये जो बिल जो है ना कस्टमर को व्हाट्सएप पहुंच गया, देखिए वाव सेम जो बिल आपको प्रिंट आउट आया हुआ है वो कस्टमर के व्हाट्सएप पे पहुंच गया। तो इतना मतलब टेक्नोलॉजी आपने देखी दोस्तों, इतना वंडरफुल टेक्नोलॉजी इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर सेट किया हुआ है। और दूसरा क्या है, हमने अभी इश्का वगैरह यूज किस तरीके से करते हैं वो भी देखेंगे दोस्तों। अभी ये जो कस्टमर बाद में एक दो हफ्ते के बाद आया, फिर जैसे यही शू लिया, दूसरा शू लिया, कोई भी एक शू लिया, तो उनको मैंने दोबारा सेल कर रहा हूँ। तो मतलब नॉर्मल जैसा उन्होंने आया, आने के बाद आपको ये वाला बार कोड भी यूज कर सकता है, तो उसको उठा लिया, सीधा सीधा स्कैन कर दिया मैंने, ठीक है जी। स्कैन करने के बाद ये जो प्रोडक्ट इधर नीचे आया, तो कस्टमर देखो 550 बोला हुआ है, 550 आया हुआ है, तो कस्टमर ने तुरंत बोल दिया, हाँ सर जी मेरा जो प्रिविलेज कार्ड है, लास्ट टाइम मैंने परचेस किया था तभी मेरे को 50 रुपये का प्रिविलेज कार्ड मिला था, तो उसको भी डिस्काउंट करके दे दो, रिडीम करके दे दो। तो ये जो प्रिविलेज कार्ड को हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ बोले कि दिखाओ, ये है जो प्रिविलेज कार्ड, ये देखो दिखाइए, तो इसमें QR कोड है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर जाइएंगे, हमने यहाँ देखो लॉयल्टी कार्ड स्कैन बोल करके दिया गया हुआ है, देखो लॉयल्टी कार्ड स्कैन, उसमें हमने स्कैन कर लेते हैं इसको। ये वाला बार कोड भी यूज कर सकते हैं, कोई भी बार कोड उठाइए स्कैन करिए, वो कस्टमर को देखो ओके कर दिया, तो 55 रुपीज का ऑटोमेटिकली लॉयल्टी अमाउंट उधर आया हुआ, देखिए ठीक है जी। और लॉयल्टी कार्ड नंबर आ गया ऑटोमेटिकली, उनके नाम यहाँ पे भी आ गया देखो। और लॉयल्टी अमाउंट कितना रिडीम करके देना, 55 रुपये पूरा दे दो, 55 रुपीज, ये देखो पूरा रिडीम कर दिया हमने। अभी उन्होंने मात्र 550 पे करने का था, वो अभी 495 पे करना, बस मात्र 495 पे करना उन्होंने, और उन्होंने बाकी अमाउंट कैश दे रहा हूँ, कैश सिंपल वे में आपने बिलिंग कर सकता था। सो प्रिविलेज कार्ड सब कुछ देता है ना, ईसीएसट वे में आपने कर सकता है, कैश बटन किया। अभी करंट परचेज का प्रिविलेज कार्ड ऑटोमेटिकली उसको पहुंचेगा भी है, ये देखो ऑटोमेटिकली वो भी आ गया करंट परचेज का। अभी कितना परचेज है, 50 रुपीज का मात्र मिला हुआ है, मतलब अभी अराउंड 495 का है ना, 50 रुपीज राउंड करके उसको प्रिविलेज पॉइंट मिला हुआ है। उसके करंट इनवॉइस आपको इधर डायरेक्टली प्रिंट आउट हो जाएंगे, देखो इस तरीके से देखो करंट इनवॉइस अभी प्रिंट आउट हो चुका है, देखिए सो ब्यूटीफुल वे में। यहाँ देखो 105 पहले मतलब हमने MRP सेल प्राइस में 50 रुपये डिस्काउंट डाल के रखा हुआ है, और 55 रुपीज उनको अभी प्रिविलेज कार्ड से भी डिस्काउंट मिला हुआ है, ये वाला देखो 55 रुपीज, मतलब 600 रुपये उसके MRP है, सेल प्राइस आपको 550 है ना, 550 रुपीज, और प्लस 55 रुपीज उसको डिस्काउंट और यहाँ पर प्रिविलेज पॉइंट से मिला है, मात्र 495 उसने पे करना है बस। तो इंस्टेंटली आपको कस्टमर को डिस्काउंट देने के लिए एकदम वंडरफुल टेक्नोलॉजी है दोस्तों ये वाला जो
सॉफ्टवेयर में। अच्छा, इसका प्रयोग कैसे करेंगे ये भी देखेंगे हमने। ये जो मतलब QR कोड का, मतलब आजकल है ना बहुत लोग है ना ऑनलाइन पेमेंट करती है, तो ये भी हमने देखेंगे दोस्तों अभी। और एक कस्टमर आ गया तो उन्होंने बोला मेरे पास मैंने गूगल पे फोन पे इसे पेमेंट करूंगा, तो ये जो मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं आपको, तो क्या करेंगे आपको फॉर एग्जाम्पल ये जो बार कोड स्कैन गन उठाइए, उसको स्कैन करिए आपने। स्कैन करने के बाद आपको सीधा प्रोडक्ट का नाम इधर आ जाती है। आप देखो इधर डायरेक्टली एक बटन दिया गया है दोस्तों, ये देखो UPI पे, ये देखो UPI पे बोल के एक बटन दिया गया दोस्तों। ऑटोमेटिकली देखो इधर कार्ड आ जाए, नंबर आ जाती है, अमाउंट एक्जैक्ट अमाउंट 550 रुपीज़ का एग्जैक्ट अमाउंट आ जाती है। आप जैसे उसको मतलब अपना जो फोन पे यूट्यूब मतलब ये जो भी होती है ना फोन पे का जो एप्लीकेशन होती है, कोई भी एप्लीकेशन उठाओ, कोई भी एप्लीकेशन मतलब कस्टमर का मोबाइल फोन है, इसको खोल मतलब स्कैन मतलब QR कोड को ओपन करो, इसको स्कैन करिए तुरंत, वो जो पासवर्ड डाल करके पेमेंट डायरेक्टली कर सकता है कस्टमर, तो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाती है और पेमेंट आ जाती है। पेमेंट आने के बाद आपको ऐड करिए और सेटल करिए और बिल बनाइए दोस्तों। ये देखो इनवॉइस, डायरेक्टली इनवॉइस बन जाती है, देखो ये सेल्स इनवॉइस आ गया, इसको प्रिंट मार दिया मैंने इधर, देखो प्रिंट आ गया, देखो ECS2 में आपको कर सकता है। सो ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी, और इसमें सारे इन्वेंटरी मैनेजमेंट सारे सब कुछ होती है दोस्तों, कितना पीस अभी स्टॉक रखा हुआ है, रिकॉर्ड्स में जाइए और स्टॉक इन हैंड में आपको देखो शो ऑल द स्टॉक, सारे स्टॉक यहाँ आ जाती है आपको, देखो यस करिए आपने, देखो करंटली कितना स्टॉक अवेलेबल अवेलेबल क्वांटिटी सारे सब कुछ यहाँ आपको दिखाई देती है। और उसके अलावा आपको जैसे एक प्रोडक्ट है फॉर एग्जाम्पल नाइकी जैसे एन करके नाइकी करके आपने डाला ना, तो जो हमने तीन डाला था ना जी, तीन मॉडल्स, वो तीनों इधर आ गए, देखो उसका कितना कितना करंट साइज कौन कौन सा अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल किसी कस्टमर ने ये जो जूता लेके आया, सर जी मेरे को इसका 43 साइज है अभी करंटली, एग्जाम्पल 42 चाहिए या 41 चाहिए। आपको देखने के लिए वेरी सिंपल है, आपको दो तीन ऑप्शन दिया गया है उसमें, एक तो इसका पार्ट नंबर का थ्रू सर्च कर सकता है, और डायरेक्टली आपको ये जो प्रोडक्ट का नाम इधर टाइप करेंगे ना उसका थ्रू सर्च कर सकता है। देखिए ये मतलब इसमें आपको दिखाई देगी आपको साइज कौन कौन सा है, 42 का, 41 का, 39 का, जो भी है अवेलेबल है क्या, तो स्टॉक करंट इधर करंट स्टॉक इधर दिखाई देती है, हमने एक ज़्यादा सेल किया, ठीक है ये भी देखो। अब माइनस स्टॉक सेल का ऑप्शन स्टॉप भी कर सकता है, आपको एनेबल कर सकता है, दोनों ऑप्शन दिया गया है उसमें। और करंटली कितना कितना देखो अभी आपको देख सकता है, 42 साइज का 3 पीस अवेलेबल है, 41 का 3 पीस अवेलेबल है। अगर ये जो नाम नहीं डाला ना, यहाँ देखो ड्रॉप डाउन में कई सारे ऑप्शन दिया गया, वो आपको सर्च करने के, पार्ट नंबर का थ्रो सर्च कर सकता है, बैच नंबर का थ्रो सर्च कर सकता है, इस तरीके से कई सारे ऑप्शन इसका अंदर बाई डिफॉल्ट दिया गया दोस्तों। तो इसमें इतने सारे रिपोर्टिंग सिस्टम से आप देख सकते हैं, रिपोर्ट्स रिकॉर्ड्स बहुत सारे रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स लेडजर वगैरह वगैरह सारे चीज़ों से। और इसमें आपको न्यू प्रोडक्ट्स अराइवल मार्केटिंग ऑप्शन है, वो मैं दूसरा वीडियो में बनाएंगे, ये बहुत लंबा हो गया वीडियो राइट, आप शायद बोर हो गए होंगे। तो हमारा जो टीम है दोस्तों वो कैसे आपको सपोर्ट करेंगे अभी ये भी मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके एक इस तरीके से बिजनेस है, मतलब फुटवेयर बिजनेस है जो भी है, तो आपने हमारा कस्टमर केयर को डायरेक्टली कॉल कर सकता है 8078311945 और 8606093110, ये दोनों नंबर पे कॉल कर सकता है। और वो लोग क्या करेंगे, डेडिकेटेड सेल्स टीम को ये आपको असाइन करेंगे, ठीक है जी, वो लोग आपको कॉल बैक करेंगे, सॉफ्टवेयर के बारे में कोई डाउट्स वगैरह है मतलब डेमो वगैरह देखना है सब कुछ आपको दिखा देंगे। और जैसे आपने परचेज कर दिया सॉफ्टवेयर को, तो हमारा जो डेडिकेटेड टीम बैठा हुआ है प्राइमरी टीम, वो 10-15 लोगों का एक स्पेशल टीम है, वो लोग आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, आपको ट्रेनिंग दे देंगे कैसे इसको चला सकता है, प्लस आपको जितना भी आपका हार्डवेयर होती है सारे उसके लिए सेपरेट लोग बैठा हुआ है डेडिकेटेड टीम, वो लोग आपको हार्डवेयर जो भी है उसको सेट करके देती है, प्रिंटर वगैरह और बारकोड और बिल प्रिंटर वगैरह सारे सब कुछ सेटिंग करके देती है, और आपको जितना भी प्रोडक्ट्स है कैसे उठा है उसके अंदर डालना है सारे सब कुछ ट्रेनिंग देती है। और आपको खड़ी खड़ी जो भी सर्विस आती है उसको डायरेक्टली आपने कॉल कर सकता है, आप सर्विस को ठीक कर सकता है। और अपना जो टीम में बहुत सारे दूसरे टीम है जनरल सर्विस में, जैसे 10 डेज के बाद आपको जनरल सर्विस मिल जाती है, उसमें आफ्टर सेल्स मैनेजर वगैरह सब कुछ है, वो लोग आपको सॉफ्टवेयर के बारे में कोई डाउट है
और कोई भी जीएसटी का डाउट है आपको, और कोई डाउट है, डेटाबेस के इश्यू है, समथिंग लाइक दिस, हर किसी के लिए डेडिकेटेड टीम बैठा हुआ दोस्तों, ये सारे आपको जो डाउट्स वगैरह सपोर्ट करेंगे। आप कितने बार भी कॉल करो, कितना बार भी टिकट डालो, अभी हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया हुआ है, आपको कस्टमर सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी ले सकता है, मतलब आपको जो भी दिक्कत आती है वो मोबाइल एप्लीकेशन उस पर टाइप करिए, ऑटोमेटिकली हमारा जो टीम को मिल जाती है वो इंस्टेंटली आपको कॉल बैक करता है, आपको इश्यू और जो भी है सोल्व कर देती है। तो इस तरीके से सर्विस मिल जाती है रेनडेक्स सॉफ्टवेयर लिमिटेड से। आपको फुटवेयर बिजनेस के लिए, फुटवेयर का जो भी बिजनेस होती है, जूता का हो, मेंस का हो, विमेंस का हो, फुटवेयर बिजनेस के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों, रेनडेक्स बिलिंग सॉफ्टवेयर। ये देखिए रेनडेक्स पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर, और इसका थ्रू कनेक्टेड ये ऑफलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर है, आपका कंप्यूटर में इंस्टॉल करके चलती है, एसक्यूएल डेटाबेस इसका, और इसी का थ्रू कनेक्टेड ई कॉमर्स एप्लीकेशन भी आपको मिल जाती है इनकेस आपको चाहिए तो, उसके क्या होता है सेल बूस्टर, उसमें क्या होती है आपको मतलब ऑफलाइन में जो भी प्रोडक्ट डालते हैं ऑनलाइन में भी कस्टमर को दिखाई देते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकता है, मतलब इस तरीके से कस्टमर को देख भी सकता है, हाँ कौन कौन सा प्रोडक्ट है, समथिंग लाइक दिस, इनकेस वो भी चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे आपको, बाकी सब कुछ आपको मतलब क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपको कोई भी हेल्प चाहिए डेफिनेटली कॉल करिए दोस्तों अपना कस्टमर केयर नंबर को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।